गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो यह वीडियोज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, यह वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियोज के अंदर आप ये सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल ही आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता है। तो इस वीडियोज के अंदर हम यह सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। फाइनली मैं गूगल माई बिजनेस के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूं और हम चलते हैं वेबसाइट वाले टैब के ऊपर। और जैसे ही मैं वेबसाइट वाले टैब के ऊपर क्लिक करूंगा, तो गूगल क्या करता है कि जो आपके बिजनेस लिस्टिंग का नेम होता है उसी के अकॉर्डिंग गूगल आपकी वेबसाइट को बना देता है, और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है, और जो भी आपने इमेजेस यूज़ करा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो इमेजेस जो है लग जाते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि भाई मतलब आपके यहाँ पर फोटोज शो होंगे एंड यहाँ पर आपके रिव्यू शो होंगे, अगर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ये देखिए टेस्टोमोनियल है, और आप इन सारी चीज़ों को मान लो कि भाई आपको इनमें कुछ चेंजमेंट करना हो, आप इन चीज़ों को चेंजमेंट कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं किसी थीम्स के ऊपर क्लिक करूँ, ये देखिए कि इनमें से मान लो कि मुझे ये वाला कलर जो पसंद नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपके जो यहाँ पर ये चीज़ें चेंजमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए कि एक्सटेंड करना है तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी थीम आपके पास अवेलेबल है। तो मैं पहले वाले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एंड अगर आपको इसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो आप एडिट के ऊपर जाएं, और यहाँ पर जो है यहाँ से मैं पहले इसको कट करने दो मुझे, और यहाँ से मैं इन चीज़ों को सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, अगर मान लो कि मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं एडिट वाले सेक्शन के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मान लो कि मुझे कुछ चेंज करना है, भाई हेडलाइन चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हुआ बेस्ट एजेंसी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन, तो मान लो कि इसमें मुझे कुछ चेंजमेंट करना है तो कर सकता हूँ। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में अगर मैं चेंज करना हो तो कर सकता हूँ, और समर हेडर में अगर मैं समरी हेडर यहाँ पर लिखा हुआ है तो अगर मैं इनमें भी चेंजमेंट करना चाहूँ तो आसानी से इनको कर सकता हूँ, इसमें कोई भी इशू नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि भाई अगर आपको इसके अंदर और फोटोज ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ से फोटोज को भी ऐड ऑन आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से आप कंप्यूटर से चुन सकते हैं और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन जब आपका कस्टमाइज हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज हो जाए तो आप पब्लिश के ऊपर वहाँ से क्लिक कर देंगे। और ये इतनी भी अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं हाई एंड इसको वेबसाइट बना लूँगा तो इतनी भी आपको हाई एंड नहीं मिलेगी और ना तो आपको इतनी फैसिलिटी मिलेगी, आप इतने हाई एंड बना सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई नॉर्मल सा आपको मिल जाएगा, ठीक है, ना ज़्यादा भाई, मतलब क्योंकि यहाँ पर आपको गूगल फ्री में दे रहा है। देन मान लो कि जो भी आपका बिजनेस नेम है उसी बिजनेस नेम के रिगार्डिंग भाई आप जो है उस डोमेन को परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। देखिए गूगल यहाँ पर बता भी रहा है भाई आपको जो है 860 रुपये पर ईयर जो है आपको हमें पे करना पड़ेगा, इसी के अंदर आपकी जो है होस्टिंग भी इंक्लूड रहती है, तो आपके ऊपर है कि भाई आप अगर इनसे परचेज करना चाहें तो इनसे परचेज कर सकते हैं, नहीं तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डिजाइन करें, डिजाइन करने के बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दें। और ये बिल्कुल ही आसान है डिजाइन करना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है, जैसा आप नॉर्मली वर्डपैड यूज करते हैं, ठीक है। आप एडिट के ऊपर फिर से मैं बता देता हूँ, आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और हेडलाइन वगैरह को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चीज़ों को चेंज आसानी से कर सकते हैं। मान लो कि अगर डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो ये देखिए मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर चेंजमेंट हो भी रहा होगा, ये देखिए चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिलहाल में तो इन सारी चीज़ों को मैं हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इन सारी चीज़ों को छेड़ने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चेंजमेंट करना हो तो बड़ा ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ।
आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे जो मेरी नेक्स्ट प्लेलिस्ट आने वाली है वो गूगल सर्च कंसोल की आने वाली है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इससे जो जितनी भी अब नेक्स्ट वीडियोस आएगी वह गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आएगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।